हाय गाइस थोड़े से ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं आई बी बी प्रोटर सीरीज में मैं अभी दौड़ के आया हूँ अपना वर्कआउट करके आया हूँ इसलिए आई मे बी लुकिंग लाइक शेड बट डोंट डजेंट मैटर कॉन्टेंट मैटर्स ठीक है गुड लुकिंग तो हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं चाहे वो मेल हों फीमेल हों ट्रांस हों हर तरह के बॉडी बिल्डर्स आर जस्ट अमेजिंग लेकिन मेरा काम गुड लुकिंग लगना कम है उनकी कहानियाँ सही तरीके से सुनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये है डॉक्टर रीटा जैरथ की कहानी यहाँ उनकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी के बारे में तो जानेंगे ही याद रहे कि वो 20 साल से शायद उससे भी ज़्यादा समय से काफ़ी ज़्यादा समय से वो इस स्पोर्ट में है और ये उस समय की बात है जब औरतों का घर से बाहर निकलना भी कठिन था और फगेट स्टेज पे बिकनी पहन के चढ़ना तो उन्होंने कितने सोशल टैबूज़ को इंडियन सोसाइटी की बुरी चीज़ों को उन्होंने छोड़ पीछे छोड़ छोड़ के छोड़ छोड़ के आगे बढ़ के उन्होंने वो अचीव किया जो उन्होंने आज अचीव किया है उसके बारे में बात करेंगे इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है एपिसोड वन में सारा बॉडी बिल्डिंग उनकी जर्नी वो कितने देशों में रहीं कितने लोगों के साथ उन्होंने ट्रेनिंग की है कितने बड़े बड़े इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स को वो जानती हैं और बॉडी बिल्डिंग के बारे में वो क्या सोचती हैं उसके बारे में बात करेंगे बहुत ही प्यारी बहुत स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेसन है और मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि ये कॉन्वर्जेसन मैंने उनके साथ पहले क्यों नहीं की बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स दैट आई हैव एवर डन साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कीजिए यहाँ पे बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स मैं पोस्ट करता रहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं वीडियोस हैं फुटेज हैं जो आपको इस वीडियो स्क्रीनशॉट में दिख ही रहे होंगे तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है प्लीज़ रिमेंबर टू डू सो तो और हाँ मेरा फोर मिनट मोटिवेशन पॉडकास्ट भी ज़रूर फॉलो कीजिए हिंदी की छोटी छोटी चार मिनट की कहानियाँ हैं जो आपको प्रेरित करेंगी उसका भी लिंक नीचे है बट फिलहाल चलते हैं डॉक्टर रीटा जयरग राइट स्टार्ट करते हैं में रहते हैं Dr. Rita, welcome to All About Fitness Stories. आपने हमें टाइम दिया इतना बड़ा ऑनर हमें फील होता है आपसे बात करते हुए बिकॉज uh, आप सिर्फ एक आई Pro card प्रो कार्ड विनर नहीं हैं, आप आई Pro प्रो लीग के जज भी हैं शायद ओनली फीमेल जज हैं आप राइट right? Uh, उसके अलावा फोब्स में आपको मेंशन किया गया था इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ इंडिया पीछे हमें दिख ही रहा है फिटनेस गुरु मैगजीन के कितने सारे कवर्स पे आप फीचर हो चुके हैं आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं आपने इतना कुछ अचीव किया है इट इंस्पायर्स एवरी अराउंड और हमें लगा कि जब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे ये सीरीज का मीनिंग खत्म हो जाता है हमारे लिए और ऑडियंस के लिए तो बहुत जरूरी था कि वी टॉक टू यू वी लिसन टू यू वी अंडरस्टैंड यू सो प्लीज़ वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज आपका स्वागत है अब सब ये तो मैं मतलब दो लाइनों में कैसे ही कुछ बोल सकता हूँ लेकिन बोल दिया मैंने अभी हमें आपके बारे में और जानने का मौका मिलेगा तो आई एम श्योर बहुत ज्यादा मजा आएगा डॉक्टर रीटा सबसे पहले तो अपने बारे में हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं आपके चाइल्डहुड के बारे में एडल्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ जैसा कि मैं आ, मतलब आई एम फ्रॉम द लिटिल ओल्डर जनरेशन एंड हमारे टाइम पे वीमेन में बॉडी बिल्डिंग होता ही नहीं था मैंने ऐसा वक्त देखा है जब इवन यू नो जीन्स पहनना बहुत प्लास्ट फेमस होता था इंडिया में और सो प्राइमरिली ऑफकोर्स हम उसके जो कॉस्ट्यूम है आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट बहुत hmm. uh, अच्छा एक मैसेज है मेरे पास जो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ बट मेरे बारे में ये है कि Uh, uh, मेरे लिए ये एक uh, प्योरली एक फिटनेस जर्नी से स्टार्ट हुआ था और uh, मैं मैं फाइट आउट कर रही थी कि वेट ट्रेनिंग uh, बहुत अच्छा होता है वेमेन के लिए इसके बारे में भी बहुत मिथ्स थे और वहाँ से यू नो इन द प्रोसेस ऑफ रिपेलियन मैंने आगे जाके बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी और उस टाइम कोई भी नहीं था uh, जो uh, बॉडी बिल्डिंग करता था और फिर मैंने बाहर बहुत ट्रैवल किया बहुत कॉम्पिटिशन्स मैंने बाहर किए हैं बहुत बाहर के लोगों से जो बहुत एवॉल्व सोसाइटीज़ हैं वहाँ से बहुत कुछ सीखा है और तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया कम्पीट किया फॉर्चुनेटली भी किया तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इंडिया को रिप्रजेंट किया और आई लाइक आई पुट वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग इंडियन वुमेन बॉडी बिल्डिंग ऑन द वर्ल्ड मै तो ये आप जो आपने बताया कि आपने चालू किया उसके बाद आपने इंटरनेशनली बहुत खेला है अब किन सालों की बात कर रही हैं ये 2005 2004-5 में मैं अपने बेटे को जिम लेके गई थी और उसको वेट ट्रेनिंग सिखानी थी वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और उससे पहले मैं मेंटल हेल्थ पे बहुत वर्क किया है मैंने क्योंकि मेरी मदर को भी इसकी जो था बहुत टफ चाइल्ड रहा था मेरा okay. लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी जो मुझे लेटर स्टेजेस में बहुत काम आई और क्योंकि वो ऑलरेडी 15 इयर्स का हो चुका था 2004 में Uh, 2004 में 16 ईयरस का था तो uh, उसको सिखाने के प्रोसेस में uh, मैंने स्टार्ट uh, करी तो बहुत अब तो बहुत साल हो गए आ, लेकिन आ, बहुत अच्छी जर्नी रही है अब तक बहुत कुछ सीखने को मिला तो आप एक मदर भी हैं एक 32, 33 ईयर ओल्ड सन की और जैसे अभी आपने कहा कि ही इज ऑर्टिस्टिक तो आई एम श्योर उसके साथ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है बेटे के साथ और थोड़े चैलेंजेस भी आते होंगे तो ये जो आप आप आपने जो अचीव किया है और अभी भी हम इंस्टाग्राम पे आपको देखते हैं आप अपने पैशंस को अभी भी यू लिव थ्रू देम आप जीती हैं उन पैशंस को और आप कभी किसी एम्बेसडर्स के साथ दिखते हैं तो कभी किसी कल्चरल प्रोग्राम में दिखते हैं आप बहुत यूएन के साथ भी शायद आप काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं प्लस Uh, आप अपने बेटे के साथ हम आप उनकी सिंगिंग को प्रमोट करते हैं हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि आप प्रमोट करते कि वो थोड़ा और गा रहे हैं सुना रहे हैं एंड हीज़ उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है ये सब आप साथ में कैसे लेके चलते हैं Uh, हम लोग वैल्यू समझने लगते हैं लाइफ की जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर बहुत uh, मतलब uh, बहुत सीवियर केस था उनका स्केजोफ्रेनिया का okay. उनको आवाज़ें आती थी और uh, वो जो टाइम था 1970s का 80s का उस टाइम मेंटल हेल्थ के बारे में सेंसिटिविटी नहीं थी तो uh, हमारी जो फैमिली थी बहुत आइसोलेटेड थी मैं बहुत अकेले रही हूँ दो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने साथ रहना उस प्रोसेस में और जो मिले उसको खाओ और जो हमारा हम जो खाते हैं वो हमारा जो टारगेट है वो न्यूट्रिशन होना चाहिए और हम हम क्या कर सकते हैं न्यूट मतलब अगर हमारी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है तो हमारी बॉडी की एबिलिटीज क्या बन जाती हैं और हमें एक अलग टाइप की हैप्पीनेस जो मिलती है हमें उसके लिए टारगेट करना चाहिए ये जो मैंने बचपन से डेवलप करी थी हैबिट्स ये मुझको बॉडी बिल्डिंग में बहुत काम आई और उस टाइम यू नो फोर्टी फिफ्टी ईयर्स पहले हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में बॉडी बिल्डिंग करूंगी तो गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीबडी और जो मेरा आइसोलेशन का की लाइफ रही है बहुत uh, रही हूँ तो मुझे वो एडवांटेज ऐसे बनी है कि मैं uh, मतलब मेरे पास हर चीज़ के लिए बहुत टाइम रहा है मैं कभी किसी यू नो आई हैव नेवर गॉट इन्वॉल्व इन एनी एनी मैसी थिंग तो मेरा माइंड मेरे माइंड में बहुत क्लैरिटी रही है और मुझे ऐसा लगा है कि यू नो टू रिलेट टू द आउटर वर्ल्ड मैं बहुत कुछ भगवान ने हमारी लाइफ में हम सबको बहुत पोटे, पोटेंशियल दिया है तो मैं लाइफ को एक डिफरेंट परस्पेक्टिव से एक्सप्लोर कर सकी हूँ और बेटे को ठीक करने के लिए जो मेरे बीस बाईस साल आ, चले गए तो मेरे वो देवेर माई प्राइम ईयरस ऑफ यूथ तो मुझे हर चीज़ वैल्यू बहुत पता थी तो भरतनाट्यम मैंने 25 साल के बाद यू नो स्टा किया और uh, मैं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ फिटनेस तो सारी चीजें कैसे आपस में इंटरवाइंड हैं ये मेरे लिए भी एक बहुत यू नो एक्सपीरियंस है कि uh, किसी चीज की कोई एज या कोई बंदिश नहीं होती वी कैन डू एनी टाइम तो मेरे दो सवाल हैं आपसे और एक छोटा है और एक शायद थोड़ा सा लंबा है छोटा वाला ये है आप आई एम श्योर एक्चुअली सवाल नहीं है इसका जवाब ही मेरे पास है आई sure एम श्योर यू फील बहुत बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता होगा आपको या एटलीस्ट कंटेंट महसूस होता होगा कि जो मैं कर पाई हूँ वो भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया होगा तभी कर पाई हूँ क्या पैसा फील करते हैं हाँ मैं प्राउड प्राउड तो मैं कभी नहीं बोलूंगी बट मैं ग्रेटफुल जरूर हूँ कि मैं कर पा रही हूँ और क्योंकि मैं भगवान से ये भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मुझे दिशा दिखाई है भगवान ने कि आई कि बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए और मैं बहुत अनकन्वेंशनल रही हूँ और एक ऐसे इरा में मैंने ट्रांजिशन देखा है कि जब पहले अनकन्वेंशनल होना बहुत नेगेटिव hmm. पर्सपेक्टिव से hmm, देखा जाता था और अब की दुनिया में अनकन्वेंशनल होना एक एसेट होता hmm. है बिकॉज वी टॉक अबाउट आउट आउट ऑफ ऑफ द द बॉक्स बॉक्स और हम लोग चेंज लाते hmm. हैं एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है इज देयर इन कंट्रीज जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ इंडिया चेयर जो जिसका जो टैगलाइन है वो है कि वी आर द चेंज कि okay. हम लोग एक पैराडाइम चेंज लाएं Uh, तो आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि ये चीज थोड़ी इंडिया में या पूरी दुनिया में शायद टैबुड होगी कि अकेले रहना और आपने कहीं अपने बातों में बोला था कि मैं बहुत अकेले रही हूँ लेकिन आपने वो नेगेटिव कॉन्टेशन के साथ नहीं बोला था आपने उसको बोला स्ट्रेंथनिंग या सेल्फ uh, डिस्कवरी से रिलेट किया आपने उसको तो कभी आपको डर नहीं लगा दैट आई एम अ वुमेन और मेरे पास बेटा है और मैं अकेले रह जाऊंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा कैसे करेंगे इन चीजों का कभी आपको डर नहीं लगा नहीं मैं बचपन से uh, क्योंकि मेरे पेरेंट्स uh, मम्मी तो बीमार रहती थी और फादर ऑब्वियसली वाज बिजी अपने प्रोफेशन में एयरफोर्स ऑफिसर थे वो बहुत डिमांडिंग जॉब होता है और आई हैव सिस्टर वो हॉस्टल में रहती थी तो uh, अकेली तो मैं शुरू से ही रहती थी तो uh, मुझे आदत थी और मेरे फादर में एक बात थी कि उन्होंने कभी मुझे एज अ गर्ल चाइल्ड की बहुत प्रोटेक्टेड हो ऐसे नहीं ट्रीट किया वो बस hmm. uh, मतलब वो बोलते थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक एजुकेशन uh, पॉलिसी है कि जो वो अपने आश्रम में भी uh, कराते हैं कि यू नो ही हैज़ इट की कम्प्लीट फ्रीडम दी पॉलिसी ऑफ कम्प्लीट फ्रीडम कि जब आप कम्प्लीट फ्रीडम देते हो तो एक अगर आपकी जो बेसिक्स हैं अगर आपकी बेसिक uh, संस्कार है अगर वो करेक्ट हैं तो इवन अगर एक बच्चा गलत दिशा में जाता है तो वो रियलाइज कर लेता है और एक देर इज अ फेनामेनाल्फ करेक्शन इन नेचर कि वो अपने आप ही रियलाइज करता है कि मैं ये सही नहीं हो रहा मेरे लिए मुझे लगता है मुझे इसमें से बाहर निकलना चाहिए और वो अपने आप सही राह पे आ जाता है तो जो सेल्फ करेक्शन का फैनमिना है जब हम एक किसी भी स्टूडेंट को या चाइल्ड को ग्रोइंग चाइल्ड को हम कंप्लीट फ्रीडम देते हैं तो वो कभी एक्चुअली वो गलत नहीं जाता क्योंकि और उसके जो संस्कार हैं और वैल्यूज़ हैं उसको टाइम टू टाइम मेंटरिंग और गाइडेंस मिलती रहे तो मुझे uh, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ मुझे मेरे फादर ने मुझे इस तरीके से ही uh, किया है कि ये नहीं है कि लड़की है तो उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना जहाँ जाने जाओ यू आर रिस्पॉन्बल फॉर योर सेल्फ तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा दूसरी बात की आ, हमें आ, उस टाइम इंटरनेट नहीं था और आ, गलतियों के चांसेस बहुत कम होते थे और मुझको प्यार चाहिए था और एक ही तरीका था आ, कि आई गेट लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन कि आई अचीव मुझे अपने आप को प्रूव करना था जहाँ सारे लोग हमारी फैमिली को दुदकारते थे कि इसकी मम्मी पागल है ये ऐसे हैं ये अजीब हैं और समथिंग लाइक दैट तो मेरे पास एक ही तरीका था टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं अपनी पढ़ाई में एक्सेल करूं या यू uh, नो you know, और मेरे को uh, कुछ टैलेंट तो मेरे में इनहेरेंट थे तो जब भी मैं आगे जाती थी और कुछ भी करती थी तो मुझे बहुत एडुलेशन मिलता रहा सो so, उसने मेरे को और इंक्रेज किया और फिर वो सब चीजें करने के लिए मुझे एक्चुअली आइसोलेशन की जरूरत थी तो ये दोनों चीजों ने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट किया आज भी मैंने भरतनाट्यम मैं कर रही हूँ उसके उसके लिए मैं पढ़ती हूँ पढ़ाई कर रही हूँ जिसमें मैं डिफरेंट मोडलिटीज ऑफ फिटनेस जो है उनको कन्वर्जेंस कैसे हम लोग कर सकते हैं कैसे बॉडी अच्छा। बिल्डिंग और भरतनाट्यम एक जगह कन्वर्ज करते हैं तो उसके बारे में मैं बहुत बुक लिख रही हूँ एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं कर रही हूँ यू नो मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ तीन मैगजीन्स में और मैं मतलब कि अपना स्टडी भी कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बेटे को भी देखना है घर के छोटे छोटे काम है बिजली के बिल से ले प्रॉपर्टी टैक्स तक भरना है तो अगर मैं कहीं भी ढील करती हूँ तो मेरा बहुत बड़ा बैकलॉग हो जाता है और ये नहीं, मेरे लाइफ गोल्स है क्योंकि मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स अपने प्राइम यूथ के सेक्रीफाइस किए हैं तो ये मेरे प्राइम गोल्स हैं लाइफ के तो मुझे आइसोलेशन मेरे को अब नेगेटिव नहीं लगती वो मेरे को उन चीज़ की ज़रूरत होती है तो डर क्योंकि मैं मेंटली कंडीशन थी शुरू से तो डर कभी लगा नहीं और कभी ऐसी पोजीशन आई जहां मैं बहुत वर्नरेबल होती हूँ मैं उस पोजीशन से यू नो अवॉइड करती हूँ उस पोजीशन से अपने आप को दूर रखती हूँ आई डोंट क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम वेरी जेंटल एट हार्ट तो जब मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो uh, मैं उस चीज़ को उनसे दूर हो जाती हूँ एक मैंने बहुत बड़ी बात सीखी थी अपनी मदर से यू नो क्योंकि वो मेंटली सिक थी तो उनको उनमें कुछ एक खास ये बात थी कि कोई ग्रीड नहीं था और उनमें बहुत ज़बरदस्त सेंस ऑफ डिटैचमेंट थी कि कुछ भी हो जाए आई डोंट केयर मतलब अगर मुझे मतलब उनको सोसाइटी से वो कॉन्शियस नहीं थी और हमने भी सीखा कि हमारे लिए हमारा फैमिली मेम्बर इम्पोर्टेंट है वो कितनी भी उल्टी सीधी हरकतें करें लेकिन हमारे लिए हमारे जो नेबर्स हैं या दुनिया हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कितना भी क्लमजी हो आज मेरा बेटा शक्तिमान की ड्रेस पहनता है बेबी टीवी देखता है वीडियो गेम खेलता है शक्तिमान की ड्रेस पहन के पूरी दुनिया में घूमता है सब उस पर हंसते हैं मैं भी साथ में हंसती हूँ मेरे को कभी बुरा hmm. नहीं लगता कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं मैं सोचती हूँ ही इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ तो हमारे अंदर हारमोनी आ जाती है तो इसीलिए मैं मैं आइसोलेशन को मैंने हमेशा अपना एसेट समझा है कभी उसको मैंने नेगेटिवली नहीं लिया वाह दैट्स दैट्स अमेजिंग दैट्स अमेजिंग मतलब uh, आपके साथ बात करके ना कोई कह नहीं सकता दैट यू गॉन थ्रू दिस आपके अंदर इतना काम है एक होती है रेजिंग रिवर एक होता है ओशन एक होती है झील बिल्कुल शांत आप एक यू लाइक अ लेक आप एक झील की तरह लगते हैं तो वो अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल बात है और इतनी सारी उपलब्धियां जो आपकी हैं इसमें जो एक मैं ये नहीं कहूँगा सबसे बड़ी शायद लेकिन उनमें से एक उपलब्धि ये भी है आपकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी ठीक है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप आपने कहा था कि आप फिटनेस की लाइन में आए धीरे धीरे आए लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की लाइन में कैसे आए और आपने बात की थी 2005 2004 के टाइम की तब स्टेज पे बिकिनी पहन के चढ़ना मतलब तब तो बॉलीवुड भी ओपन नहीं था नहीं। उस टाइम पे आई थिंक उससे कुछ टाइम पहले ही करिश्मा कपूर रवीना टंडन वगैरह एक्ट्रेसेज होती थी और वो शॉर्ट स्कर्ट्स या काजुल की डी डी एल जे आई थी उससे पांच सात साल पहले तो वहां पर शॉर्ट्स रंगीला आई थी उस तरह चालू हुआ था और वो फैमिलीज़ में बहुत टैबू था कि देखो हमारे बच्चों के सामने क्या ऐसे कपड़े वैसे ये सब चीजें उस टाइम पे आप स्टेज पे चढ़ी थे डर नहीं लगा लोग क्या कहेंगे इससे डर नहीं लगा आप प्लीज टेल मी टेल अस अबाउट दैट बिकॉज आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे तो सपोर्ट नहीं है करके अपने सपनों को छोड़ देते हैं या फिर जिनके आस के लोग उनको टोंट कसते हैं चाहे वो फैमिली हैं 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 या या बाहर के लोग हैं। या लोग अननोन सोशल मीडिया पे बोलते है, है, है? हस्बैंड है बच्चे है घर है भगवान ने इतना दे रखा उतना काफी है है ना? Oh, कुछ साल बाद क्योंकि लेकिन डेफिनेटली uh, मैंने तो uh, देखा है हमारे टाइम पे जब बॉलीवुड uh, मूवीज होती थी तो कैबरे होता था तो बिंदु या हेलन होती थी जो स्लिट वाली ड्रेस <laughs> थी थी तो वो भी बहुत बड़ी बात होती इट इज is... <laughs> मैंने uh, ये भी देखा है कि फॉरेन uh, कंट्रीज में यूके में जैसे कि मेरा बेटा पढ़ता था तो अगर शॉर्ट ड्रेस पहनी है तो उसको एक बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है यू हैव टू डिजर्व टू वेयर इट क्योंकि आपने अगर <laughs> आपका बॉडी ऐसा है तो आपने अपनी फिटनेस का उतना ध्यान रखा होगा हर एक कोई इतनी उसको इतना ग्रेशियसली कैरी नहीं कर सकता लेकिन बिकिनी के बारे में मैं एक बात बोलूंगी इट इज़ हाउ यू प्रजेंट इट ये सडनली याद आया शर्मिला टैगोर भी uh, ने बिकिनी पहनी थी yeah. तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उस टाइम पे yeah. Yeah. और uh, जो बिकिनी है इट इज़ ऑल्सो हाउ यू कैरी इट मैंने uh, जो चैम्पियंस है ओलम्पिया चैम्पियंस हैं जैसे निकोल विल्किस हैं या स्टर्न है उनको देखा था कि वो स्टेज पर पहनते थे और उसके बाद एकदम नीचे पूरा अपना बॉडी कवर करके नीचे आ जाते थे आ, आ, आप उसको एज अ स्पोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो या एज अ सेंश यू नो अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो uh, ये भी मैटर करता है इसीलिए वो बहुत फाइन लाइन होती है उसमें बट अगर जब हम सिर्फ कॉम्पिटिशन प्योर कॉम्पिटिशन की बात करते हैं कुछ दिन पहले मुझे अभी भी किसी ने फोन करके बोला कि आपने आपकी वो ब्रा में फोटो थी तो आ, मैं हाँ मैं अभी वो भी आज के टाइम पे तो जो जब जहाँ की एक स्पोर्ट है ये तो मैं यही बोलूँगी कि जो बिकनी है उससे ज़्यादा सेक्रेट उससे ज़्यादा पवित्र ड्रेस कोई भी नहीं है क्योंकि आप वो बॉडी अचीव करने के लिए एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट की भी चीटिंग नहीं कर सकते एक आप कितने भी थके हो आपने जिम जाना है आप अपने पूरे शेड्यूल में आप एक लोक आप डाइट में आप uh, कितना फोकस्ड होते हो और एक कितनी तपस्या होती है उसको बनाने में और जहाँ जो इंसान उसको uh, इतनी रेगुलरिटी से चाहे कुछ भी हो जाए चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो जाए वो जा, वो अपना जिम जाता है और अपना दर्द सहता है और उसको दर्द होते हुए भी अपने बाकी सारे घर के काम करता है स्माइल करता है तो वो इंसान कभी गलत नहीं हो सकता और जब वो स्टेज पे जाता है तो उसके रोम रोम में उसकी जो पवित्रता है वो झलकती है रोम रोम में क्योंकि अगर आप स्टेज पे गए हो तो आपने वो बॉडी फॉर्म करी है जीतना हारना बहुत दूर की चीज़ है वो बॉडी फॉर्म करने के लिए ही आप में कितनी रिजिलियंस होगी जहाँ तक कैरेक्टर hmm. की बात है एक्चुअली बहुत लोग जो बुरखा पहनते हैं या घूंघट डालते हैं कैरेक्टर तो उनका भी खराब हो सकता है तो जो hmm. कैरेक्टर हमें एज अ सोसाइटी पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को परस्पेक्टिव से देखें कि जो हमने पहना है वो हमारे इनर सोल को और कैरेक्टर को कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं करता एक बिकनी में लेडी भी सेंट से भी ज़्यादा सेक्रेड हो सकती है और एक लेडी पूरा बॉडी कवर करके और सब कुछ बेल पहन के भी यू नो उसका कैरेक्टर अंदर से कैसा भी हो सकता है तो हमें हमें जो सोल है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए हार्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक्सटर्नल जो दिख रहा है उसको पूरी तरह से मतलब ब्लाइंडली उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है और इस दृष्टिकोण से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उस हिसाब से तो जो हमारे बॉडी बिल्डर्स भी स्टेज पे चढ़ते हैं दे मतलब ये उन्होंने अचीव किया इसलिए वो वहां पे ऐसे खड़े हो सकते हैं ना तुम कोई और खड़े होके दिखा दो मैं खड़ा होके दिखा दू हमारे बस की नहीं है हा? लेकिन ये आपने जो बताया वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि हर कोई इतना स्पिरिचुअल और इवॉल्व नहीं है आपने कुछ यू गॉन थ्रू अ जर्नी और आप इवॉल्व होके इतने स्पिरिचुअल इतने सेल्फ कंटेंट बने हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है तो जिनके बस की बात नहीं है उनके लिए तो सोसाइटी क्या कह रही है या अपने आप को ही शीशे में देख पाना ऐसे अपने आप के लिए अरे यार मैं मैं तो मतलब कैसे शर्म आ जाएगी हाँ तो प्लीज एक मैसेज में चाहता हूँ आप ऐसे लोगों को बताएं जरूर कि दुनिया क्या कह रही है तुमने बिकिनी पहनी है स्टेज पे ऐसे चढ़ गई उसकी बेटी स्टेज पर गई बुआ जी का ताऊ जी का कहीं इस फिलाना ठिकाना जो कभी कॉल नहीं करते उनके यहाँ से कभी कॉल आ गया कि तुम्हारी बेटी का ऐसा फोटो है मार्केट में क्या चल रहा है तुम शादी कैसे होगी और तुम्हारी मैं मतलब आई एम जस्ट एसोसिएटिंग विद सोसाइटी तुम्हारी बेटी ऐसी कर रही है लोगों को पता चला हमारे परिवार में कोई ऐसा है तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी रोको कुड बी सो मेनी थिंग्स कोई हैंडल करे सिचुएशन को तो कैसे हैंडल करे अपने सपनों को आगे के ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कम्पीट कर रहे हैं वो जब स्टेज पर जाते हैं तो वो अपनी बाकी की लाइफ को कैसे कंडक्ट करते हैं तो वो एक एग्जाम्पल बनते हैं hmm. सबसे पहले तो ये दो चीजें होनी चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में कोई कंपीट कर रहा है तो यू शुड बी वेरी प्राउड अब हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि वो उतनी बॉडी और उतना मेहनत कर रहा है उसको उसकी तरफ देखो वो कितनी मेहनत कर रहा है वो अचीव करने के लिए तो जैसा कि मैं अपनी मम्मी के बारे में भी बता रही थी कि, कि कोई भी हमारे मतलब मेंटली सिक है या चिल्ला रहा है या आवाजें आ रही हैं या कुछ भी हो रहा है हमारे लिए जो वो जो पर्सन है वो कितना भी क्लमजी हो वो इम्पॉर्टेंट है बाकी के नेबर्स जो हैं वो आपका घर का बिजली का बिल नहीं भरने वाले और उसकी जो हमारा फैमिली मेंबर है उसको ये स्ट्रेंथ uh, मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ़ हो जाए लेकिन मेरे पास घर में एक एंकर पर्सन है जिसके पास मैं जाके यू नो जो मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है पर्सपेक्टिव में तो अनकंडीशनल लव जो होता है वो वही होता है ये तो फैमिली मेंबर्स के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी का कोई पैशन है और वो इस इस तरह से तो उसको एक अच्छी नज़र से देखें दूसरा जो सीनियर्स uh, हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आज एक रिटायर्ड बॉडी बिल्डर हूँ मैं जज हूँ लेकिन आ, मैं आ, बहुत काम कर रही हूँ फ़िटनेस को प्रमोट करने के लिए जैसे कि सितंबर में मैं जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है तो मैं फ़िटनेस की जो वैल्यू है आ, उसके बारे में आ, इंडिया की तरफ से मैं बोलूँगी मैं बहुत प्राउड हूँ ग्रेटफुल हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मैं बुक लिख रही हूँ और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैले कि फ़िटनेस की वैल्यू क्या है इवन स्पिरिचुअल वैल्यू कि हमें भगवान ने एक लाइफ दी है बॉडी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ एक बॉडी कम्पोजिशन uh, की तरफ ध्यान देता है बहुत लोग बॉडी बिल्डर्स का मजाक उड़ाते हैं मेरी तरफ मेरे सामने भी मैं उनको नेग्लेक्ट करती हूँ लेकिन ये जरूर बोलती हूँ कि बॉडी बिल्डिंग uh, वो बॉडी अचीव करने के लिए आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ कार्डियोस्कुलर स्ट्रेंथ इंडियोरेंस रेजिलियस फ्लेक्सीबिलिटी पावर वो सारी चीजें होती हैं तब जाके आप यू नो इट्स अमलगमेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट तो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही पर्सपेक्टिव में देखना और जो जो सोसाइटी में हो रहा है उससे खुश होना चाहिए कि जितना नेगेटिव हो रहा है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन लोगों को सुनाने की और चेंज आप आप यू आर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज तो उसको अंडरस्टैंड करके स्टडी करके क्या रिप्लाई करनी है ये बोलना आना चाहिए ये सीखना उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए कि मैंने अगर मुझे कोई गंदा बोलता है तो मैंने ऑन द स्पॉट उसको कैसे जवाब देना है ये बहुत जरूरी है बिना अग्रेसिव हो अपने ऊपर कंट्रोल बिना अग्रेसिव यस एक बहुत आ, मतलब करेक्ट जवाब देना है क्योंकि जब हम सच बोलते हैं उसके अंदर शक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो उन्हीं को देख के आगे की जनरेशन्स जो हैं वो आ, आ, सीखेंगी और ये कल्चर जो है हमारे सोसाइटी में ये ग्रो करेगा बॉडी बिल्डिंग का ओके okay. तो आपने बात की कि जो आ, एक तरह से देखा जाए तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं फिटनेस इंडस्ट्री में आज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सही गाइडेंस ना दें लेकिन विडंबना ये है कि आज के तारीख़ पे सबसे ज़्यादा तो यहीं पे प्रॉब्लम है ऐसा लगता है देख के कि जो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा मिसग्इडेंस भरा हुआ है आ, आप यहाँ तक कि अपनी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं आप दो हफ्तों में भगवान नहीं करा सकता लेकिन वो यूट्यूबर या कोई भी आपकी हाइट इंक्रीज़ करा देगा उल्टा लटक के या कैसे भी एज ऐसे फैसे हाइट बढ़ती है और प्लस बहुत सारी चीज़ें कि जैसे दस दिन में बीस दिन में तीस दिन में बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक्सेट्रा हो भी सकती होगी

अ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट ये जो बॉडी बिल्डिंग है ये स्पोर्ट्स में नहीं आता एंटरटेनमेंट में नहीं आता इसको अदर्स में दिया है हालांकि okay. कोई भी इंसान जो मेजर डाइट लेता है अपना वेट ट्रेनिंग करता है हाइपरट्रॉफी चाहता है स्ट्रेंथ चाहता है एंडोरेंस चाहता है hmm. वो बॉडी बिल्डर एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं है लेकिन सब बॉडी बिल्डर्स हैं सब कोई अपने टेंडॉन्स लिगामेंट्स स्ट्रेंथन कर रहे हैं कोई कुछ कर रहा है लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं लिटरल अगर आप वर्ड्स की एटीमोलॉजी देखो तो बॉडी को तो इसीलिए जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग है वो एक स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट नहीं है उसकी वजह से इसमें पूरा कमर्शियल परस्पेक्टिव आ गया है और वही इन्फ्लुएंसर अगर आज मैंने चार मेडल मुझे आज तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि आपके पास खरीदे हुए फॉलोअर्स हो या मतलब आपने कॉन्शियस बहुत बहुत मेहनत करी हो प्रमोट करने के लिए आपको क्या आता है आप रियल में जेन्यनली सबली क्या हो वो मैटर नहीं करता तो मैंने भी अभी एक यूट्यूब चैनल जस्ट स्टार्ट किया है बहुत मेहनत का काम है आ, बट यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करते बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो उसके फॉलोअर्स ज्यादा है उसके फॉलोअर्स ज्यादा है उसके लाइक्स ज्यादा है उससे वो परेशान हो जाते हैं अब देखो मेरे इतने नहीं है मैं कभी उसको मैंने अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया उसको लेकिन वो क्यों होते हैं उसका रीजन ये है कि अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेश uh, है, करती हैं जो uh, हैं yes. है, वो लोग उन्हीं को फेवर करते हैं उन्हीं को रिस्पेक्ट करते हैं उन्हीं को वैल्यू करते हैं जिनकी विजिबिलिटी ज्यादा है इसकी वजह से वो ही सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है तो वो सब गलत दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट उसका रीजन ही ये है कि ये ड्रामास exactly, हाँ, वो इसीलिए सब कुछ गलत बोलते हैं कि हम गलत बोलेंगे कंट्रोवर्सी होगी तो हमें अटेंशन मिलेगी तो यू uh, नो you know, एक श्रेय का मार्ग होता है और प्रे का मार्ग होता है तो वो सब फास्ट क्विक उस उसपे जाना चाहते हैं नहीं तो फिर उनको कोई पूछेगा ही नहीं और बोलते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा हम अच्छे हैं तो अपने घर में हैं हम विजिबल तभी होंगे अगर हम यू uh, नो you know, थोड़ा सा लाउड होंगे और थोड़ा उल्टा सीधा बोलेंगे और वो उसी बोलते हैं बिकॉज उनको यू नो बेनिफिट चाहिए और वो yeah, तो अगर स्टेट yeah. स्पॉन्सर्ड होता है अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है सपोर्ट करती है तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल चेक आ जाता है तो आई थिंक कि गवर्नमेंट शुड टेक दिस बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एक्चुअल फिटनेस इन द सोसाइटी टू प्रमोट इट इन द रियल वे अगर वो रियल वे में एक्चुअली करना है और ये ये ऐसे सुपरफिशियल और नकली वे में नहीं करना तो इसको गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज uh, करना चाहिए uh, मुझे लगता है मेरे को आपसे ना एक पर्सनली मिलके भी मे भी किसी रिट्रीट पे जाके या कुछ करके एक स्पिरिचुअल सेशन तो अलग से ही करना पड़ेगा आई थिंक वी कैन स्पेंड डेज टॉकिंग अबाउट ये छोटी छोटी चीजों में calmness, कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें इस कॉन्वर्जेशन में दिख रहा है एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि uh, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा लंबा होगा अभी हमने आई प्रो लीग वगैरह जजमेंट जो भी बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं उनके बारे में बात तो की नहीं है और वो हम करेंगे आने वाले टाइम में तो इसलिए इस पूरे एपिसोड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसके सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे आई एफ प्रो लीग जजमेंट के बारे में कि जजेस कैसे जज करते हैं ये मैं आप सभी को बता दूं लोगों को कि सेकंड एपिसोड इसके फौरन बाद रिलीज होगा और आप इसको ज़रूर देखिए कि इसमें हम बात करेंगे कि डॉक्टर रीटा हमें बताएंगे कि वो जज कैसे बने एक जज बनने के लिए आए बी बी प्रो लीग का जज बनने का एक्सपीरियंस कैसा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जजमेंट कैसे लिया जाता है सारे जजेस के आपस में तालमेल कैसे होते हैं वगैरह वगैरह तो एपिसोड टू जरूर देखिए इसका एंड रिमेंबर टू कॉमेंट बिलो एंड मैंने नीचे डॉक्टर रीटा का जो नया यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी डाला है तो प्लीज 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 जाके उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको ऐसा इंसान तो नहीं मिलेगा इंडियन बॉडी बिल्डिंग में फॉर श्योर प्रेस द बेल आइकन ऑन दूट्यूब एंड अपडेट